रूस और यूक्रेन जंग के बीच ब्रिटेन ने एक बड़ा फैसला लिया है। यूक्रेन के नागरिकों को ट्रेनिंग देगी ब्रिटेन की सेना। यूक्रेनी नागरिकों को फ्रंट लाइन वॉरियर बनाएगी ब्रिटेन की आर्मी। अब ब्रिटेन यहां पर रूस के सैनिकों को तो दे ही रहा है ट्रेनिंग, अब ब्रिटेन माफ कीजिएगा ब्रिटेन यूक्रेन के नागरिकों को तो ट्रेनिंग दे ही रहा है, अब सैनिकों को वो नागरिकों को भी ट्रेनिंग देगा। यूक्रेन के नागरिकों को फ्रंट लाइन वॉरियर बनाएगा ब्रिटेन, वो इसकी ट्रेनिंग देगा। यानी यहां पर पश्चिमी देश अब पूरी तरह से यूक्रेन को मदद तो दे ही रहे हैं, अब ट्रेनिंग की भी मदद देंगे ताकि वो इस वॉर में लगातार लगे रहें, लड़ते रहें, रूस के आगे हथियार ना डालें। जनरल बख्शी, आप कह रहे हैं ये वॉर इंटेंस होगी, ये वॉर तो इधर से भी इंटेंस हो रही है जहां ये पश्चिमी देश जरा सा भी यूक्रेन को बात करने के लिए नहीं बल्कि उसको इतनी मदद दे रहे हैं, इतनी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि तुम लड़ते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, वो लड़ा रहे लगातार। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं, दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं, हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हाँ जी, वो तो आखिरी यूक्रेनियन तक लड़ने को तैयार है अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज आखिरी यूक्रेनियन जब तक जिंदा है तब तक वो लड़ने को तैयार है। कोई $11 बिलियन का तो अमेरिका अब तक मिलिट्री एड दे चुका है और आए जा रही है, उनका मुद्दा है कि इसको बढ़ाया जाए और ये युद्ध अब कई बरस चलेगा तो आप कोई हमको जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। रूस ने जो इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स थे वो हासिल कर दिए, वो उसने पूरा लुहांस्क ले लिया है, डोनबास तकरीबन ले लिया है, अभी उसने जो है ये दोनतेस्क में हमला करना था, जबकि बड़ी बात चली कि साहब यूक्रेन बड़ा जवाबी हमला पलटवार खेरसान के इलाके में करने वाला है, तो रूस ने अपना दोनतेस्क का हमला रोक कर खेरसान के इलाके में। साहब मुझे प्लीज खत्म करने दीजिए, डोंट फ्लिट फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, देखो बड़ा सीरियस सब्जेक्ट है, उसको डिस्कस करने में थोड़ा तो लेट अस गिव द टाइम। तो मैं कह रहा हूं कि साहब वो जो है खेरसान के इलाके में 30,000 एक्स्ट्रा सैनिक रूस ने भेज दिए हैं, अब दोबारा उसने अपने ऑपरेशन दोनतेस्क में चालू कर दिए हैं। उसका मुद्दा है कि ये सब इलाके जो वो क्लेम कर रहा था जो कि रूसी भाषाई इलाके हैं, पूरा दोनबास क्रीमिया और जो सदर्न कोस्ट लाइन है उसको 80% उसने पकड़ लिया है, केवल ओडेसा का पोर्ट वो यूक्रेन के पास रह गया है, वो भी ब्लॉकेड के अंदर है। यूक्रेन का जो GDP है कोस्ट लाइन के जाने से 50% घट गया है, ठीक है साहब। और रूस का अब जो प्लान है कि यहाँ पे वो रेफरेंडम कराएगा, इनको अपने पासपोर्ट इशू करेगा और इनको इंटेग्रेट करने की कोशिश करेगा रूस की टेरिटरी में, ठीक है, ताकि अगर कोई वहां जवाबी हमला करता है तो रूस ये बोलेगा कि मेरे को न्यूक्लियर हथियार भी इस्तेमाल करने का मेरी जो पॉलिसी है उसके तहत हक है, ठीक है साहब, ठीक है सर। और ये युद्ध चलता रहेगा, ठीक है सर। मैं आता हूँ आपके पास, इसी युद्ध से जुड़ा एक और वीडियो आया वो दिखाते हैं, फिर आप लोगों के पास मैं फिर से आता हूँ। रूस यूक्रेन की जंग के बीच विध्वंसक वीडियो सामने आया है, आपको ये देखना चाहिए। सेवास्टोपोल में रूस ने एंटी एयरक्राफ्ट गन से फायरिंग की है, यूक्रेन के जबरदस्त पलटवार के बाद रूस ने एंटी एयरक्राफ्ट गन से ये फायरिंग की है। यूक्रेन का सुसाइड ड्रोन लगातार रूसी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, यूक्रेन के पलटवार के बाद देखिए कैसे एंटी एयरक्राफ्ट गन से यहाँ पर फायरिंग की गई है। ये इस वक्त की तस्वीरें आप देखिए, यूक्रेन के जबरदस्त पलटवार के बाद ये रूस ने एंटी एयरक्राफ्ट गन से फायरिंग की है, ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये युद्ध लगातार अभी भी चल रहा है। डोनेस्क में यूक्रेन की सेना का रूसी ठिकाने पर बड़ा हमला, रूसी हथियारों के गोदाम पर किया गया है ये टारगेटेड हमला। हॉर्लीव का इलाके में जलता नजर आया हथियारों का गोदाम, तो डोनेस्क में यूक्रेनी सेना का रूस के ठिकानों पर हमला हम देख रहे हैं, रूसी हथियारों के गोदाम पर यह टारगेटेड अटैक किया गया है। तीन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते हैं और तीन तस्वीरें और तीन खबरें जो बताएंगी आपको कि कैसे लगातार डोनेस्क में लुहांस्क में रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने है। ये तीनों तस्वीरें हम एक साथ दिखाते हैं आपको, ये तीनों तस्वीरें देखिए आप, तीनों खबरें ये जो बताती हैं सेवास्टोपोल चार्नोबाव का या डोनेस्क, यहां पर यूक्रेन और रूस आमने सामने हैं। ब्रिगेडियर दत्ता, ये तीनों तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे अपने दर्शकों को, लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा रिएक्शन चाहता हूं, क्या ये तस्वीरें ये बताती हैं कि अभी जो जनरल बख्शी कह रहे हैं वो बिल्कुल बात सही साबित नजर आती है? ये युद्ध तो लगातार चल ही रहा है,
और ये और इंटेंस हो सकता है इस मॉस्को अटैक के बाद। ये तस्वीरें बता रही हैं कि युद्ध रुका नहीं है, 6 महीने से तो युद्ध जारी है, लेकिन क्या मॉस्को का अटैक अब इस युद्ध को और ज्यादा बढ़ाएगा? बिल्कुल, जनरल साहब ने बिल्कुल साफ और वाजे तरीके से कहा और बड़े बिल्कुल क्लियर शब्दों में इसका वर्णन किया है कि ये युद्ध अभी काफ़ी दिनों चलने वाला है। और जिस तरह से देखिए, रूस ने जिस तरह की अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी वो बिल्कुल श्योरली और सर्टनली बढ़ रहा है उसकी तरफ। आप देखिए, 2014 में क्राइमिया ले लिया, अभी डॉनबास का एरिया ले लिया, जो उसकी सदर्न कोस्टल एरिया है, अब ओडिशा उसके उसमें शामिल करना बाकी है। बाकी आप देखिए, मारियोपोल तो जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से ही वो उसके कब्जे में है। और आप ये देखिए जो तो क्या और हो सकता है, पुतिन और क्या कर सकते हैं? वो तो लगातार कीव के मुहाने तक पहुंच गए, फिर वहां से वापस आ गए, तो आगे अब और क्या कर सकते हैं पुतिन? क्या न्यूक्लियर अटैक कर देंगे क्या वो? न्यूक्लियर अटैक करना तो बड़ा मुश्किल है साहब, बिकॉज इतनी न्यूक्लियर पावर्स बैठी हुई हैं, क्योंकि इस तरह के अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक होने लगी तो पुतिन साहब का वजूद भी बड़ा खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन हाँ, वो यूक्रेन को बिल्कुल आराम से बैठने नहीं देंगे, खासकर जो नीपर के ईस्ट वाला इलाका है उसमें अपना जो वर्चस्व है उसको बना के रखेंगे। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं, दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं, हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।